गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। सौम्या आज क्यों नहीं आई सर? फीवर हो गया। फीवर हो गया? आपका भी सिलेक्शन हो गया कहीं? नो सर। नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेरिकल, इसको बंद करो, एक हेमिस्फीयर शेप में एक बाउल है। हेमिस्फीयर मतलब कटोरा टाइप, यानी आधा गोला में एक बाउल है। और बाउल वैसे भी हेमिस्फेरिकल ही होता है। बाउल समझते हो ना, कटोरा। तो आपने देखा होगा अपने घरों पे, तो वो जो बाउल होता है वो वैसे भी हेमिस्फेरिकल शेप का ही होता है जनरली। और इधर कह भी रहा है कि हेमिस्फेरिकल शेप में वो बाउल है। अच्छा, किसका? ब्रास का बना हो। ब्रास मीन्स ना ग्लास होता है वो, कांच। तो ब्रास, हाँ, कौन सा? तो पीतल नहीं, पीतल नहीं होता, कॉपर तो तांबा होता है। और शायद कॉपर एंड ब्रास आर सिनोनिम ऑफ ईच अदर। ब्रास होता है शायद जस्ता, जस्ता सुना हो तो आपने, जस्ता वो होता है। ठीक है, मेटल, एक मेटल होता है जिसके घरों, जिसके बने हुए बर्तन होते हैं हमारे घरों में। ठीक है, तो इनर डायमीटर क्या है उसका? मतलब सपोज करो ये है कटोरा। वैसे तो देखो जनरल नॉलेज की बात है, आपको पता होनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th आपको पता होना चाहिए। मैं तो मैथ्स का ही टीचर हूँ ना, तो मुझे पता ना भी हो तो चलेगा, बट आपको तो पता होना चाहिए ना भाई। मेरा पाला तो मैथ्स से ही पड़ेगा, आपका पाला तो सबसे पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो ये सपोज करो कटोरा टाइप का एक बर्तन दिख रहा है आपने को, है ना। अब इसमें इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि इनर वर्ड और आउटर वर्ड जहां पे आ जाता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है ना। इनर मतलब अंदर से, आउटर मतलब बाहर से। तो इनर डायमीटर कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो अगर इनर डायमीटर है तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, देखो इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाओ। ठीक है, मतलब ये इमेजिन कर पा रहे हो ना, 3D में है ये फिगर। ये यहां से लेके इस कोने से लेकर इस कोने तक तो है आउटर डायमीटर, बाहर से बाहर। जैसे मैंने बताया भी था आपको, यहां से यहां, बाहर से बाहर अगर आप नापोगे वो तो हो जाएगी आउटर लेंथ, यानी आउटर डायमीटर। और इनर डायमीटर कहां होगी? अंदर से अंदर, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये हो जाएगी इसकी इनर डायमीटर। यानी ये अंदर वाला हिस्सा और ये अंदर वाला हिस्सा, अंदर से अंदर ये क्या हो जाएगी? इनर डायमीटर। समझ में आया सबको? आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर कितनी है? 10.5। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। तो ये मान के चलो डायमीटर भी इनर दे रखी है और जो टिन प्लेटिंग कर रहे हैं, टिन प्लेटिंग का मतलब होता है उसको शाइनिंग वाइनिंग करने के लिए अंदर से कुछ प्लेटिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है ना किसी मटेरियल की। तो वो जो टिन प्लेटिंग की जा रही है वो भी अंदर से की जा रही है और डायमीटर भी अंदर की दे रखी है। तो एक तरीके से इनर से इनसाइड कट गया और ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल बन गया। मतलब अब इसमें आपको इनर आउटर का कुछ भी नहीं सोचना है। जब इनर देके इनर का ही पूछे तो आपको जनरल फॉर्मूलास लगाने जो लगते हैं, आउटर देके आउटर का पूछे तो भी वो लगाने, लेकिन जब इनर देकर आउटर का पूछे या आउटर देकर इनर का पूछे तब आपको सर्क्यूलर रिंग्स वो वाले फॉर्मूले भी लगाने पड़ेंगे, पर यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से ये पहली लाइन पढ़ते क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा, दूसरी लाइन पढ़ते ये वापस अनइम्पॉर्टेंट हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है, बट इजी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात? इनर वर्ड देके यहां पे इनसाइड ही पूछ रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात? जैसे सपोज करो मैंने कहा कि अंदर का एरिया मैंने बता दिया, इस दीवारों का अंदर का एरिया मैंने बता दिया, इतना एरिया 500 मीटर स्क्वायर का एरिया या 500 स्क्वायर फुट का एरिया है। ठीक है, और मैंने कहा अंदर आपको पेंट करना है तो अंदर ही पेंट करना है और मेरे पास एरिया भी अंदर का ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अंदर का एरिया तो है 500 स्क्वायर मीटर और लेकिन उनको पेंट करना है बाहर से, मेरे को पेंट करना है बाहर से, तो अंदर के एरिया से पहले आप बाहर का एरिया फाइंड आउट करोगे और फिर उस बाहर के एरिया को आप पेंट करोगे या उसकी कॉस्ट निकालोगे। समझ रहे हो? जो चीज देखे उसी का पूछ ले तो फिर इनर आउटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। जो जनरल फॉर्मूला चल रहे हैं वो के वही हम अप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना। अब बता दो फटाफट से, टिन प्लेटिंग कहाँ होगी? सीएसए में होगी या टीएसए में होगी? सीएसए पक्का? सीएसए, क्योंकि बेस तो है ही नहीं उसके भाई, बाउल तो खुला हुआ ही होगा ना। हाँ,
कहाँ है? खाली है ना, होलो है ना, बंद है क्या वो बाउल? नीचे तो बेस है ही नहीं ना, नीचे तो बेस है ही नहीं। बाउल का बेस क्या मानते हो आप? बाउल का बेस आप ये वाला मानते हो, ये वाले, यही तो सर्कुलर बेस मानते हो, ये वाली चीज। नीचे तो पॉइंट है बेटा, नीचे तो पॉइंट है। अगर वो परफेक्ट हेमिस्फीयर है तो वो ग्राउंड पे एक पॉइंट पे टच होगा बस, वहां पे कोई बेस नहीं। ठीक है, तो जो बेस है सर्कुलर वो तो ऊपर है, ऊपर ही है। और ऊपर वाला बेस भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो होलो है। होलो मतलब उसमें कुछ चीज रख सकते हैं, तो यानी वो खाली है, वहां पे भी कुछ चीज लगी हुई नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ा ना कि अगर आपने तांबे का बाउल लिया तो वो तांबा जो मटेरियल है वो ऊपर भी थोड़ा लगा हुआ होगा, ऊपर थोड़ा लगा हुआ होगा बाउल में, वो तो बस साइडों में ही लगा हुआ होगा ना। समझ रहे हो? तो सी एस ए निकालना है। क्या निकालना है? सी एस ए। और रेट क्या दे रखी है? 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट दे रखी है। तो पहले किसकी निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट निकालेंगे, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट निकालने के बाद फिर सी एस ए जितना भी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो स्टार्ट राइटिंग। इजी था यार ये तो। इट इज गिवन दैट इनर डायमीटर। देखो वर्ड लिखना तो जरूरी है हमारे लिए इनर डायमीटर, बट हम इसके बारे में इतना ज्यादा सोचेंगे नहीं। फॉर्मूला हम जनरल जो यूज करते हैं वो के वो यूज करें। कोई और कोई एब्सेंट है क्या आज? देखो अपने आसपास, काउंट करो कितने बच्चे हो गए। सौम्या को काउंट कर लेना, कितने पूरे? ठीक है। इनर डायमीटर कितना है बेटा? 10.5। तो इनर डायमीटर से क्या निकालेंगे? सबसे पहले इनर रेडियस। इनर वर्ड हम हमेशा लगाएंगे, यूज करेंगे, बट उसके बारे में सोचेंगे नहीं ज्यादा। ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, तो डायमीटर से रेडियस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालते हैं? डी बाई टू। इतने सारे क्वेश्चंस में निकाल के बुड्ढे हो गए हम। 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है बोलो? सी एस। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। क्या फॉर्मूला होता है सी एस ए का? 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 22/7, और रेडियस जो है वो है 10.5/2। दो बार लिख दो, 10.5/2, 10.5/2। देखो एक 2 से एक 2 खत्म, 7 से ये 1.5, एक 2 और बच गया, इसको 11 से उड़ा दो। अब क्या क्या बचता है? 11 × 10.5 × 1.5, यही बचता है। करो मल्टीप्लाई। तो कैसे करें? 11 से कर दो पहले, 11 × 5 = 55, 11 × 1 = 11, एक जगह हटा के पॉइंट है, इंटू फिर 1.5 और करना है, 15 से कर दो, 15 × 5 = 75, रिमाइंडर 7, अगेन 15 × 5 = 75 and 7 = 82, रिमाइंडर 8, 15 × 15 and 8 = 23, 15 × 15 and 2 = 70, और एक और एक दो जगह हटा के पॉइंट लगा दो, 173.25 cm². ठीक है, ये आ गया सी एस ए। अब बात करते हैं कोस्ट की। नाउ कोस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट देख गिवन है ना, कितनी? 16 रुपीज 16, और आगे लगाओ गीवन है। क्या है? गीवन है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट से पहले क्या निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट।
कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 1 cm². कैसे निकालेंगे? कैसे बोलो भाई अंश? 100 cm² की रेट ये है, तो 1 cm² की रेट क्या होगी? सीएस जानवी बताओ, बताओ 100 cm² की रेट अगर कोस्ट अगर 16 रुपए है, मतलब 100 cm² टिन प्लेटिंग करते हो तो 16 रुपए खर्च होते हैं, तो 1 cm² टिन प्लेटिंग करोगे तो कितने रुपए खर्च होंगे, क्या कॉस्ट होगी, किसको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे? 16 डिवाइड बाय, वेरी गुड, 16 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। देयरफोर टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बाउ, टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बाउल क्या करेंगे, जो इसका सीएसए आया है, सीएसए कितना आया था? 173.25 यही आया था, उसको इस 1 cm की कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 by 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 25 से इसको काट दो और 4 से, पहले 4 से काट देता हूं मैं ना, तो 4 4 जा 16 और ये क्या हुआ 25, अब 25 से ये कट जाना है, 25 बन जा 25, तो 25 7 जा होता है 175 हो जाता है, तो 25 6 जा ही करो, ज़्यादा हो जाएगा वो, 25 6 जा करोगे 150, रिमाइंडर बचा 23 और आगे 2 पॉइंट भी लग जाएगा, तो 232 हो गया, 232 यानी कि 9 जा 225, 232 में से 225 गया तो 7 बचा, 7 और 5 75, 25 3 जा 75, अब 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36 एंड 1 37, 3 4 6 जा 24 एंड 3 27, 27.72 रुपए पोस्ट आएगी, रुपीस लगा देना, आंसर मैच करो पीछे से। ₹27.72 में कटोरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, इन केस पढ़ाई नहीं कर पाए तो वही काम आएगा बाद में, है ना, तो ₹27.72 ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट, समझ गए ना मेरा इशारा, जो मैंने समझाया इशारों में, नहीं समझे, समझ, डॉलर लगा दें तो डॉलर से भी, $27 से क्या उखाड़ लो, बात ये नहीं कि ₹27 या $27, बात है कि कटोरा अगर अभी पड़े नहीं तो आखिरी आगे में चल के वही काम आएगा, समझ गए, समझ गए, ठीक है। नहीं सही बात है, हमको क्या होता है कि एक्चुअली मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हमको भीख मांगने की नौबत आएगी, भाई कटोरा कायम है का, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग समझो, एक्चुअली देखो इतने तो सब सक्षम है कि इतना नहीं होगा कि भीख मांगने की हिम्मत आएगी, लेकिन ये है कि हमको हर एक पॉइंट पे किसी का मोहताज होना पड़ेगा, इस चीज को आप डिनाई नहीं करोगे, अगर अपन ने पढ़ लिख के नहीं किया तो कुछ भी सोच लो, मान लो अगर अपन ने पढ़ लिख के अच्छी जॉब अच्छी पोस्ट हासिल नहीं करी, कुछ भी किया तो अपने को क्या होगा, अपन को हर पॉइंट पे अपने को पहले पापा से पैसे मांगने पड़ेंगे, बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो पापा ही देंगे पैसे, तो एक तरीके से मांगना तो पड़ेगा और खुद कुछ बन जाओगे तो किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, और गर्ल्स पे भी वही चीज अप्लाई होती है, वो पापा से मांगेंगे आप लोग पति से मांगोगे, मांगना तो पड़ेगा, पर ये होगा कि अगर हम खुद कुछ होंगे तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए उस वे में मैंने कहा था कि कटोरा तो काम आएगा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154। अच्छा सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, निकालना क्या है, वेरी इजी, चलो हेयर इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है,
सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया ऑफ किसका, स्फीयर का ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। दो मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म करना है। कितना गिवन है सरफेस एरिया, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 154, इसको इलेबोरेट करो एक्सपेंड करो, पाई की वैल्यू रखो 22 ओवर 7 इंटू आर को मुझे पता नहीं है तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो 154। तो मुझे बताओ यहां से आर स्क्वायर को तो यही रहने दो, बाकी सबको वहां भेजो, तो जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में होगा और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में, 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में उधर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, और 4 और 22, 4 इंटू 22 वहां न्यूमरेटर में है तो यहाँ आके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 22 बन जा 22 होता है, 22 7 जा क्या होता है 154 होता है, तो क्या वैल्यू आ गई 7 इंटू 7 यानी 49 डिवाइडेड बाय 4, किसकी वैल्यू आई है ये आर स्क्वायर की, तो अपने को तो आर निकालना है, रेडियस निकालना है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से स्क्वायर हटेगा वहां पे रूट लगेगा, 49 बाय 4 का रूट करना कोई बड़ी बात नहीं, 49 का रूट क्या होता है 7 और 4 का रूट क्या होता है 2, 7 बाय 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.5 सेंटीमीटर, हेंस द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, हेंस द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर आंसर। हार्डली इसने 2 मिनट लिया ना, क्योंकि क्वेश्चन इजी था, बस डायरेक्ट क्वेश्चन था एक तरीके से, पर उल्टा क्वेश्चन था, रेडियस देके सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, सरफेस एरिया देखकर रेडियस पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या करेंगे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखेंगे, रख दिया, और जो भी सरफेस एरिया उन्होंने दिया है उससे इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, वैल्यूज पुट अप करेंगे तो वहां पे केवल इस इक्वेशन में एक ही चीज दिखाई दे रही है जो मिसिंग है, वो है आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू निकाल देंगे बाकी सबको वहां पे भेजकर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई क्या 49/4। अगर आर स्क्वायर की ये वैल्यू है तो आर की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी 7/2। वैसे एक चीज आपको बताऊं फॉर योर नॉलेज कि जब अपन किसी चीज का रूट करते हैं तो आंसर प्लस और माइनस में आता है, आंसर किस में आता है पता है किसी को, ये चीज नहीं पता, रूट 4 क्या होता है वंशिका 2, क्यों रूट 4 2 क्यों होता है समझा सकते हो भाई, रूट 4 का आंसर 2 ही क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, क्योंकि क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो फिर रूट 4 माइनस 2 क्यों नहीं हो सकता। आपने जवाब दिया कि सर रूट 4 2 इसलिए होता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है ना, तो हमेशा स्क्वायर रूट में 2 वैल्यूज निकल के आती है, एक प्लस की और एक माइनस की, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चल, जैसे रूट 9 मैंने पूछा तो रूट 9 का आंसर प्लस 3 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, होता है, तो इधर भी आर की वैल्यू प्लस और माइनस 7/2 होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर क्या है, आर रेडियस है और रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं। बट अगर यहाँ पे ये मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन होता सॉल्व करने का कि आर स्क्वायर ये है और आर निकालो, तो हम 2 वैल्यूज लिखते, एक तो लिखते हैं प्लस 7/2 और दूसरे क्या लिखते हैं माइनस 7/2। सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से 2 आंसर हैं, बट एक आंसर हमको इग्नोर या रिजेक्ट करना पड़ रहा है बिकॉज नेगेटिव आंसर क्या -7/2 नहीं +7/2 एक आंसर, दूसरा आंसर -7/2, -7/2 का स्क्वायर होगा 49/4 और +7/2 का स्क्वायर भी क्या होगा 49/4 होगा, होगा ना, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ द मून, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ एंड मून सब जानते हैं, अर्थ क्या है, क्या प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है अर्थ, क्या ब्लू प्लैनेट ओके, ये नई बात बताई आपने, कहां है
अरे ऐसे नहीं बोल सकता कि जिसपे अपन रह रहे हैं, जो आंसर चाहिए वो तो बोल नहीं रहा है। ब्लू है, सूरज से इतना दूर है। मैंने सिंपल भाषा में कहा अर्थ कौन सा प्लेनेट है, करेक्ट या सिंपल सिंपलेस्ट आंसर इसकी जिस पर अपन रहते हैं, जो हमारा घर है वो अर्थ है। ठीक है, मून, मून क्या है, जो हमको रात को दिखता है, चंदा मामा। ठीक है, तो मून भी स्फेरिकल शेप में है, नॉट ए परफेक्ट स्फेयर बट हम कह सकते हैं स्फेयर है। अर्थ भी स्फेरिकल शेप में है, नॉट ए परफेक्ट स्फेयर बट फिर भी हम कह सकते हैं स्फेयर है। तो इसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, अर्थ का भी और मून का भी डायमीटर होगा। हम सब जानते हैं कि मून जो है छोटा है अर्थ से, ये तो सब जानते हैं। तो जो इन्होंने कहा कि मान लो कि मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, एक चौथाई है। मान लो उसका डायमीटर से, मान लो जैसे 100 मीटर है तो उसका एक चौथाई 25 मीटर है, एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। तो ऐसा मान लो, है ना, है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने जैसा कहा एक बार के लिए वही सच है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो निकालो। पहले अर्थ का सरफेस एरिया निकालो और उसके बाद किसका सरफेस एरिया निकालो, मून का, और फिर उसका क्या निकालो, उसका क्या निकालो, रेशियो निकालो। जो गलती पहले करी थी वो गलती अभी नहीं करेंगे, कल परसों गलती करी थी, एक गलती तो क्या करी थी, जबरदस्ती लेंथी किया था हमने क्वेश्चन, वो अभी नहीं करेंगे। याद आ गई ना, आधे मूर्ख कहलाए थे हम, वो आधे मूर्ख आज नहीं कहलाएंगे। शुरू करें, ठीक है। आंसर तो 1:16 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आंसर तो क्या है, 1:16, क्योंकि अगर रेडियस का रेशियो 1:4 है तो इसी का तो स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि 4π से 4π तो कट जाना है, 4πr² 4πr² 4π से 4π कट गया, r² और r² का ही तो रेशियो चाहिए। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, अभी समझोगे, देखो। चलो जी, Here it is given that ऐसा ही अर्थ एंड मून का एक वॉल्यूम में भी क्वेश्चन आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट, दोनों में से वॉल्यूम का थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। Here it is given that, क्या गिवन है हमको, Here it is given that मत लिखो, बाद में लिखना है क्योंकि कुछ गिवन ही नहीं है। गिवन क्या है, पहले ये देखो, गिवन ये है कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो सबसे पहले मून के डायमीटर को और अर्थ के डायमीटर को कुछ मानिए, क्या माने, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी, क्या मानेंगे, कैपिटल डी एंड स्मॉल डी। चलो, तो पहली लाइन वो रहेगी अब की बार, ये दूसरी तीसरी लाइन रहेगी, बाद में देखते हैं। लेट द डायमीटर, हाँ काट दें, पता था मुझे क्वेश्चन आने वाला है। डायमीटर ऑफ द अर्थ लिख लो पहले या मून लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थ बी कैपिटल डी एंड द डायमीटर ऑफ द मून, अर्थ एंड मून से पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है तो लगाना है आपको भी, क्योंकि यूनिक नाउन्स है, यूनिक नाउन से पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, अर्थ मून सन ताजमहल जितने भी, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मून बी स्मॉल डी, ये तो हो गया कैपिटल डी और ये हो गया स्मॉल डी। अब हमको क्या गिवन है, अब लिखो, नाउ इट इज गिवन दैट क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4, राइट, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, राइट, ये गिवन है, डायमीटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, हम पृथ्वी में रहते हैं या पृथ्वी पर रहते हैं, पर, बिकॉज वी लिव ऑन द सरफेस, अंडरग्राउंड थोड़ा ना रहते हैं, अभी वैसे अंडरग्राउंड ही है, इस समय तो हम पृथ्वी में हैं, क्योंकि अंदर है ना पृथ्वी के, अंडरग्राउंड में है ना अभी अपन, ठीक है, ऊपर चले जाएंगे तो वापस पृथ्वी पर हो जाएंगे। हाँ जी, The diameter of the moon is 1/4 of the diameter of the earth. That is, अब देखो, ये तो है diameter of the moon. क्या माना था आपने small d? क्या माना था? Small d. फिर इसकी जगह equal to लगाते हैं, बताया कई बार आपको, 1/4 का मतलब 1/4, of की जगह multiply लगता है, पता है आपको, diameter of the earth यानी कि capital. तो ये एक relation मिल गया d और capital d के बीच में, that is
दैट इज डी इक्वल्स टू 1/4 इंटू कैपिटल डी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कैपिटल डी बाई फोर, डी वन या डी हो गया ना, डी वन या डी डिवाइडेड बाई फोर यानी डी बाई फोर, स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई फोर। कोई डाउट यहां तक? नो? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास अगर डायमीटर का रिलेशन है तो डायमीटर के रिलेशन से हम रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हैं और वो रिलेशन का एग्जैक्टली सेम आएगा, क्योंकि उसका आधा होगा तो उसका भी आधा होगा, तो रिलेशन एग्जैक्टली सेम आएगा। अगर डायमीटर 1/4 है तो रेडियस भी क्या हो जाएगी? 1/4 ही हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ रेडियस ऑफ द, सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल डी बाय टू, एंड रेडियस ऑफ द मून, क्योंकि डायमीटर से पहले रेडियस तो निकालना पड़ता ही है, रेडियस ऑफ द मून स्मॉल आर, वो क्या हो जाएगा? स्मॉल डी बाय। यहां तक कोई डाउट? नो? यहां तक कोई डाउट? नो? ठीक है, अब हमारे पास रेडियस है अर्थ की भी और हमारे पास रेडियस है मून की भी। अब ध्यान से सुनो, जो रेडियस है अर्थ की वो कैपिटल डी के फॉर्म में, किस फॉर्म में है, और जो रेडियस है मून की वो स्मॉल डी के फॉर्म में, तो अपने को दोनों को सेम फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा, या तो दोनों को कैपिटल डी में ले जाओ या दोनों को स्मॉल डी में ले जाओ। समझ में आई बात? फिर हम रेशियो से, रेशियो जब निकालेंगे तो डी से डी काट देंगे, लेकिन उसके लिए सेम होना जरूरी है ना, दोनों कैपिटल डी होंगे तभी कटेंगे या दोनों स्मॉल डी होंगे तभी कटेंगे। तो आप ध्यान से देखो स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, कैपिटल डी बाई फोर, तो इस स्मॉल डी की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये चीज लिख सकता हूं। ऐसा करने से दोनों ही चीजें कैपिटल डी में चली जाएंगी और फिर उनको काटना आसान रहेगा, क्योंकि कैपिटल डी से कैपिटल डी कट सकते हैं। समझ आया? ठीक है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ को तो वही रहने दो कैपिटल डी बाई टू, लेकिन रेडियस ऑफ द मून को मैं क्या लिख रहा हूं, स्मॉल डी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? कैपिटल डी बाई फोर और होल डिवाइडेड बाई टू एज इट इज। देखो इसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर वन और यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन। ये रिलेशन मैंने कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन वन। यहां तक कोई डाउट? अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फोर नीचे टू से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? डी बाय एट। फोर टू जो एट हो जाएगा, नहीं नीचे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर टू जो। तो अब आप ध्यान से देखिए रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, क्या है बोलो? कैपिटल डी बाय टू। और रेडियस ऑफ द मून क्या है? कैपिटल डी बाय। तो दोनों सेम पैरामीटर में, अलग अलग पैरामीटर में नहीं है, तो इनको कंपेयर करना अब आसान है। ठीक है ना, चलो अब अपन निकालते हैं दोनों का सरफेस एरिया। नाउ सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि हर चीज पहले अर्थ की निकाली है तो सरफेस एरिया भी पहले अर्थ का। क्या फॉर्मूला होगा सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ? अर्थ किस शेप में? स्फेरिकल शेप में। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? और अर्थ का अपने कैपिटल आर माना है, तो आप क्या लिखोगे? 4π कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा जी, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है? देखो चेक करो, कैपिटल आर की वैल्यू डी बाय टू। क्या है? डी बाय टू। तो 4π इंटू कैपिटल आर की वैल्यू पुट अप कर दी डी बाय टू, और डी बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है। ठीक है, कोई डाउट? नो, इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ दो, कुछ मत करो। अब बताओ सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ द मून, ऑफ द मून, बोलो फॉर्मूला। 4π स्मॉल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू भी डी की फॉर्म में गिवन है, डी बाई एट गिवन है। तो इसमें क्या लिखोगे? 4π इंटू आर स्क्वायर, मतलब डी बाई एट का होल स्क्वायर। कोई डाउट? वहां पे डी बाय टू का होल स्क्वायर था और यहां पे डी बाय एट का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो। ठीक, सॉरी इसको यहीं पे छोड़ दो ना। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। ये चेक कर लेना किसका किससे चाहिए, अर्थ का मून से चाहिए या मून का अर्थ से चाहिए। चेक करते हैं, तो इन्होंने क्या कहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, तो बताया नहीं है, बताया नहीं, दैट मींस पहले जिक्र किसका हुआ है क्वेश्चन के अंदर, पहले जिक्र किसका हुआ है और बाद में किसका हुआ है,
तो यानी कि मून के सरफेस एरिया से अर्थ के सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए, अर्थ से मून का नहीं चाहिए, मून से अर्थ का चाहिए। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ पहले मून लेंगे है ना, द मून एंड द अर्थ, द मून एंड द अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून कितना आया है वो यहां लिखो, क्या आया है बताओ, 4 pi into d/8 का स्क्वायर, राइट, और डिवाइडेड बाय अर्थ का कितना आया था, 4 pi into d/2 का होल स्क्वायर, राइट। देखो 4 pi से 4 pi तो एज इट इज गया, अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो d/8 का होल स्क्वायर क्या होता है, d का स्क्वायर d² और 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ, नीचे वाले d का स्क्वायर भी d² और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। और इस तरह का सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना सबको आता है, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सिंप्लीफिकेशन को, ये d² / 4 इधर आके क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल होके 4/d, समझ आता है ना सबको। या फिर ऐसे याद करो कि जो आखिर की टर्म्स हैं, मतलब एक्सट्रीम टर्म्स हैं ऊपर और नीचे वाली, वो दोनों मल्टीप्लाई होके कहां रहेंगी, न्यूमरेटर में रहेंगी, और जो मिडिल टर्म्स हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होके कहां रहेंगी, डिनोमिनेटर में रहेंगी। बहुत सारे तरीके सीखे होंगे बचपन में ऐसे सॉल्यूशन करने का, ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व कर देता हूं मैं, d² * 4 तो रख देता हूं न्यूमरेटर में और 64 * d², एक तरीका ये भी है कि जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो उठ के नीचे आता है और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो उठ के ऊपर जाता है, कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसा किया तो d² से d² भी गया, क्या बचा 4/64, 4/64 को 4 से ही काटा तो 4 बन गया 4 और ये 16 टाइम्स कट जाएगा, 1/16 और 1/16 को क्या लिख सकते हो आप, 1:16। तो आंसर तो पढ़ते ही आ गया था, 1:16। ठीक है, यह है एक तरीका। अब दूसरा तरीका यह है कि हम शुरू से चले ही रेशियो में, उसने रेशियो पूछा है ना, तो हम शुरू से रेशियो में चले। रेशियो में शुरू से कैसे चलते हैं, पहले निकालो डायमीटर का रेशियो, डायमीटर के रेशियो से निकालो रेडियस का रेशियो, रेडियस के रेशियो से निकालो सरफेस एरिया का रेशियो। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखो हमको गिवन है d = d/4, ये गिवन था ना, इतना तो करना ही पड़ेगा, ये रिलेशन तक तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, गिवन पॉइंट है ना। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, ये रिलेशन आ गया आपके पास, देखो मैं नीचे करके दिखाता हूं, हमारे पास ये रिलेशन आ चुका है कि d = d/4, राइट। ठीक है, मुझे बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d/d = 1/4, बोलो क्या किया मैंने, मैंने इस d को उठा के इसके नीचे लगा दिया तो उधर 1 बच गया, तो d/d = 1/4 बन गया। तो d/d का मतलब क्या है, d और d का रेशियो, तो d और d कहने दोनों के डायमीटर का रेशियो मिल गया मुझे, क्या 1:4, दोनों के डायमीटर का रेशियो क्या मिल गया 1:4। तो मैं क्या लिखूंगा, सो रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स यानी कि स्मॉल d = D, क्या मिल गया आपको 1:4। ठीक है, कोई डाउट, अब डायमीटर के रेशियो से आप रेडियस का रेशियो निकालोगे, क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, है ना। तो नाउ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, दोनों के रेडियाई का रेशियो कैसे निकालेंगे हम, यानी कि स्मॉल r का रेशियो निकालेंगे कैपिटल r से, वो कैसे निकालेंगे, d/2 इसका आधा और कैपिटल d/2। तो d की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है, और उधर कैपिटल d की क्या वैल्यू थी, 4 थी, तो ये क्या हो गया, 4/2 आ गया, और 2 से 2 कट के वापस रेशियो क्या आ गया, 1:4। समझ में आया, जो डायमीटर का रेशियो हुआ वही रेडियस का रेशियो होगा, नहीं समझ आया। देखो मेरे पास ये रेशियो था 1:4, राइट। अब रेडियस कैसे निकालते हो, d का आधा करते हो, मतलब डायमीटर का आधा करते हो, तो 1 का आधा करोगे तो 1/2 मानोगे इसका रेडियस,
कैपिटल आर यानी बड़ा वाला रेडियस कैसे निकालोगे, उसका आधा करोगे 4/2। अब वापस इस आर का इस आर से रेशियो चाहिए आपको, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाय 4/2, 2 से 2 कट के वापस 1/4 ही तो आ गया रेशियो, मैंने वहां रेशियो में काट दिया, आप चाहो तो उसको डिवाइड कर लो 1/2 डिवाइडेड बाय 4/2। कुल मिला के ये चीज तो पहले से क्लियर थी कि जो डायमीटर का रेशियो होगा वो का वही रेडियस का रेशियो होगा। तो अब तक हम रेडियस के रेशियो पे आ गए, अब सीधे सीधे क्या निकाल लो रेडियस के रेशियो से जो उनको चाहिए था, क्या चाहिए था उनको, सरफेस एरिया का रेशियो। तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ऑफ देयर सरफेस एरियाज। अब सरफेस एरियाज का रेशियो, तो मून का सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4π r² इस टू, और अर्थ का सरफेस एरिया क्या रहेगा, 4π R², ठीक है। 4π से 4π इट इज कट गया, तो रेशियो क्या बचा, R² / R² = R². अब R की वैल्यू क्या है, 1:4 थी ना, तो R का स्क्वायर करोगे तो 1² = 4 का स्क्वायर होगा भाई, R = R अगर 1:4 है तो R² = R² इस 1² और 4² ही तो होगा, और 1² = 4² को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 1:16। फॉर दोस हु आर अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव पेपर, उनके लिए सबसे आसान तरीका, ठीक है। और सिंपल सी बात बताऊं, सुनो मेरी बात, रेडियस के रेशियो का कोई सा भी एरिया ले लो, कोई सा भी, हमेशा स्क्वायर होता है, जैसे CSA ले लो, जैसे TSA ले लो, पर ऐसे मत लेना कि उसका CSA और इसका TSA, फिर तो डिफर हो सकता है, दोनों का CSA का रेशियो ले लो तो भी रेडियस का स्क्वायर निकलेगा आंसर, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर निकलेगा। रेडियस का रेशियो क्या था, 1:4 था, तो 1:4 का स्क्वायर क्या होगा, 1:16, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। और यही बात अगर क्यूब की होगी तो क्यूब निकलेगा, और वॉल्यूम की होगी, सॉरी, यही बात अगर वॉल्यूम की होगी, अगर यही मैं कहता कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो, दोनों के किसका रेशियो निकालो, वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, 4/3 πr³ r³ और 4/3 πR³ अगेन 4/3 π से 4/3 π तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, r³ r³, तो जो 1:4 था उसका क्यूब करना पड़ेगा, तो 1:64 आंसर आएगा, ठीक है। एरिया हमेशा रेडियस का स्क्वायर होता है और वॉल्यूम हमेशा रेडियस का क्यूब होता है, तो उनका रेशियो भी उनके रेशियो का स्क्वायर या उनके रेशियो का क्यूब आएगा हमेशा, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। तो दो मेथड मैंने बता दिए और एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, स्क्वायर के एरिया के केस में स्क्वायर कर देना और वॉल्यूम के केस में क्यूब कर देना। तो आई होप अब तो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आपको हलवा क्वेश्चंस लगने वाले, ठीक है, क्लियर है, मीठा हलवा जो दिखता बड़ा अच्छा है लेकिन गलतियां भी उतनी करवाता है। तो चाहो तो ये मेथड नोट डाउन कर लेना, बट नॉट नाउ फ्रॉम द वीडियो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चाहो तो ये सेकंड नंबर मेथड है, ये आप वीडियो से नोट डाउन कर ले, इसमें भी यहां तक तो आना ही पड़ेगा, इक्वेशन 1 जो हमने लिखी थी ना, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने रह गए हम, 2 रह गए क्या। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, सुनो ध्यान से, अब आ गया इनर आउटर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फीयर सब समझते ही हैं, कटोरा, बाउल है, वो स्टील से बना हुआ है, तो स्टील से, जिस स्टील से वो बना हुआ है उस स्टील की कुछ मोटाई होगी, बल्कि थोड़ी सी होगी पर होगी, तो कितना थिक है वो, कितना मोटा है, 0.25 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। जैसे मान लो कि ये टेबल है, तो इस टेबल में जो ये लोया लगा हुआ है इसकी भी थोड़ी सी मोटाई तो है, उसको जैसे हाथ में पकड़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि पेपर की तरह बिल्कुल प्लेन आ रहा है, थोड़ी सी मोटाई तो इसकी भी है, तो इतनी मोटाई लगभग उस बाउल की होगी, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसका क्या गिवन है, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है, क्या कहा था मैंने, इनर देके आउटर पूछे या आउटर देके इनर पूछे, समझ लेना क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। और इनर देकर इनर ही पूछे और आउटर देकर आउटर ही पूछे, तो इनर से इनर काट के क्वेश्चन सॉल्व कर दो, जैसे जनरली होता है, या आउटर से आउटर काट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो इनर डायमेंशन देकर आउटर की चीजें पूछ रहा है, तो इनर डायमेंशन से पहले आउटर डायमेंशन निकालना पड़ेगा, यानी आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। इनर रेडियस गिवन है, उससे क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आउटर। और एक बार आउटर रेडियस आ गया, उसके बाद आप आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो उसी सेम फॉर्मूला से।
समझ में आई बात? अच्छा, अब इनर रेडियस से आउटर रेडियस कैसे निकलेगा? देखो, अगर रेडियस की बात करें तो थिकनेस को सिंगल टाइम ऐड किया करो, और अगर डायमीटर की बात करें तो रेडियस को थिकनेस को दो टाइम्स ऐड किया करो। क्यों? देखो देखो, ध्यान से देखना, पहले भी बता चुका हूं, वैसे मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मान लो ये बाउल है, ये इतना थिक है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है मान लो, ठीक है, ये सर्कुलर बेस है इसका, राइट, ये अंदर वाला बेस मान लो, मतलब थिकनेस है ना, लाइक दिस। अब ये थिक कितना है, कितना थिक है ये? तो ये जो लाइन है, ये लाइन देखो ध्यान से, ये वाली लाइन जो है ये 0.25 सेंटीमीटर की है, मतलब ये जो मोटाई आ रही है, ये वाली ये 0.25 सेंटीमीटर है। अब ये सेंटर है, तो ये तो हो गई इनर रेडियस, और यहीं से नीचे बना देता हूं, ऊपर फिर कंजेस्टेड हो जाएगा। ये बाहर सेंटर से आप बाहर चले जाओ तो ये हो जाएगी आउटर रेडियस, अंदर पे रुक जाओ तो इनर रेडियस, बाहर चले जाओ तो आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस से आउटर रेडियस कैसे निकालोगे? इनर रेडियस तो रहेगी और वो थिकनेस और ऐड हो गई उसमें, तब जाके तो आउटर मिला, समझ रहे हो ना? देखो, यहां से यहां तक ये इनर रेडियस थी, और इसमें ये थिकनेस और ऐड कर दूं तो ये आउटर रेडियस मिल गई पूरी, मिली नहीं मिली? तो इनर रेडियस से आउटर रेडियस में तो थिकनेस एक ही बार जुड़ती है, 0.25 एक ही बार जुड़ेगा। लेकिन अगर इनर डायमीटर से आउटर डायमीटर निकालते तो डायमीटर क्या होता है? ये तो रेडियस की बात थी, डायमीटर होता है ये पूरा डायमीटर होता है। तो ये तो गया इनर डायमीटर, और ये बाहर से बाहर इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये होगा आउटर डायमीटर। तो इसमें थिकनेस इधर भी जुड़ेगी और उधर भी जुड़ेगी। तो इनर डायमीटर से आउटर डायमीटर जो निकालोगे तो थिकनेस एक बार नहीं जुड़ेगी, कितनी बार जुड़ेगी? दो बार, टू टाइम्स जुड़ेगी। लेकिन इनर रेडियस से आउटर रेडियस में थिकनेस केवल और केवल एक ही बार जुड़ेगी। तो एक नोट डाल के ऊपर, नोटबुक के ऊपर की साइड आप चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, लिख लो, हाँ ऊपर ही लिख दो या कहीं पर भी नोट डाल करके लिख लो कि आउटर रेडियस जो होती है वो हमेशा कैसे निकाली जाती है? इनर रेडियस में, चाहो तो आप ऊपर मत लिखो, पेयर में ही कर लो, इस क्वेश्चन से पहले लिख लो, इनर रेडियस में एक बार थिकनेस को जोड़ा जाता है, राइट? और अगर इनर रेडियस निकालनी हो तो आउटर में से माइनस कर दो, तो एक ही बात है, इनर रेडियस है तो आउटर रेडियस में से उसी थिकनेस को क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि आउटर रेडियस बड़ी है, उसमें से जैसे ही मैं थिकनेस माइनस करूंगा तो इनर रेडियस आ जाएगी। ये तो हो गया पहले तरह का फॉर्मूला। दूसरे तरह के फॉर्मूले हैं डायमीटर के। अगर आउटर डायमीटर निकालना है एंड इनर डायमीटर गिवन है, तो हम इनर डायमीटर में क्या ऐड करेंगे बोलो, थिकनेस तो ऐड करेंगे लेकिन दो बार, प्लस ट्वाइस इंटू थिकनेस को ऐड किया जाएगा। सिंगल टाइम थिकनेस ऐड नहीं होगी, ट्वाइस इंटू थिकनेस। और सेम वही चीज अगर इनर डायमीटर पूछ ले आउटर डायमीटर देख के, तो ट्वाइस इंटू थिकनेस को माइनस कर देंगे। तो आउटर डायमीटर से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे ट्वाइस इंटू थिकनेस। कुल मिला के बात इतनी है कि डायमीटर से डायमीटर निकालेगा तब तो हम थिकनेस का दोगुना लेंगे, और रेडियस से रेडियस निकालेगा तो हम थिकनेस का एक गुना लेंगे, मतलब एक टाइम ही थिकनेस को लेंगे। अब अगर इनर से आउटर निकलवा रहा है तो जोड़ेंगे, और आउटर से इनर निकलवा रहा है तो घटाएंगे, सिंपल सी बात है। छोटे से बड़े में जाओगे तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, और बड़े से छोटे में आओगे तो कुछ घटाना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? हाँ क्लियर नहीं है? जब छोटे रेडियस से बड़े रेडियस पे जाना है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा थिकनेस को, और बड़े रेडियस से जब छोटे रेडियस पे आओगे तो उस थिकनेस को घटाना पड़ेगा। और यही बात अगर डायमीटर में करें तो उस थिकनेस का दुगना कर दो, चीजें वही चल रही, ठीक है? समझ में आया गायत्री? चलो अब इस क्वेश्चन में क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इन चारों में से बताओ। इनर देकर आउटर पूछ रहा है ना, तो फॉर्मूला नंबर वन यूज हो जाएगा। आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे हम? इनर रेडियस जो दे रखा है उसमें थिकनेस को ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं, फिर कर लोगे? चलो फिर होमवर्क मार्क करो। करोगे क्या पहले ये बताओ। इनर रेडियस आर गिवन है। अच्छा, इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस को कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मानना है। तो इनर रेडियस आर तो गिवन है, कितना?
और थिकनेस गिवन है कितनी, 0.25 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस से अब आउटर रेडियस यानी कैपिटल आर कैसे निकालोगे, स्मॉल आर में थिकनेस को ऐड कर दोगे, यानी इनर रेडियस में क्या कर दोगे, थिकनेस को ऐड कर दोगे। इनर रेडियस क्या है, क्या है इनर रेडियस, 5, और थिकनेस कितनी है, तो कैपिटल आर यानी आउटर रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5.25। अब एक बार ये आ गया ना हमारे पास आउटर रेडियस, क्या निकालना था इसका, सीएसए टीएसए क्या, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सीएसए निकालना था। तो सीएसए कैसे निकालेंगे, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आउटर का पूछ रहा है, तो 2 × 22/7 × 5.25 का स्क्वायर करना है, 5.25 × 5.2, 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 49, 35 बच गया, 7 × 5 = 35, 0.75। अब इसको मल्टीप्लाई आप करते रहना, 2 × 22 × 5.25 × 0.75, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस ए स्फीयर ऑफ रेडियस। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, क्लास 10th में सारे ही ऐसे क्वेश्चन है। इसमें एक है ना, मतलब इसने यहां पे एंड किया है ना, क्लास 10th यहीं से शुरू हो रही है, मतलब सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही हैं। स्फीयर में वो डाल दिया, हेमिस्फीयर डाल दिया, हेमिस्फीयर में सिलेंडर डाल दिया, सिलेंडर में कोन निकाल दिया, कोन बना के सिलेंडर काट दिया, क्यूब में से सिलेंडर बना रहा है, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। तो थोड़ी सी झलकियां हैं भाई, ये अगले साल आएगा। क्या कहा है इसने, ध्यान से सुनो, एक सिलेंडर को, एक सिलेंडर ने क्या किया है, स्फीयर को एंक्लोज किया है। एंक्लोज करने का मतलब क्या होता है, चारों तरफ से घेर लेना, जैसे पुलिस कहती है ना कि चोर को कहती है कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो सिलेंडर ने स्फीयर को चारों तरफ से घेर लिया। अब चारों तरफ से घेरने का मतलब है कि उसकी जो साइड्स हैं वो टच कर रही हैं इसकी दीवारों को, और बेस भी टच कर रहा है, जो ऊपर का सर्कुलर बेस है वो स्फीयर को टच कर रहा है, नीचे का जो सिलेंडर का सर्कुलर बेस है वो भी स्फीयर को टच कर रहा है, और जो साइड की दीवारें हैं वो भी टच कर रही हैं। समझ आई ना, ये होता है एंक्लोज करने का मतलब, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है आर, स्मॉल आर। स्फीयर क्या है, ये है, देखो ध्यान से, इसका ये रेडियस आर है, इसको जूम आउट कर दूं मैं, जूम इन सॉरी, देखो ये स्फीयर का रेडियस होगा, ये सेंटर से लेके यहां तक होगा, होगा ना। अब अगर सिलेंडर ने इसको एंक्लोज किया है तो सिलेंडर का रेडियस भी यही होगा, क्योंकि सिलेंडर का रेडियस सेंटर से ये लेता मैं, तो मैंने क्या कहा, बाउंड्री से बाउंड्री टच हो रही है ना, कुछ भी गैप नहीं है, इतना सा भी गैप नहीं है, सांस आने की भी गैप नहीं है, एक तरीके से मान के चलो ये बाउंड्री बिल्कुल इसके टच हो रही है, तो जो इसका रेडियस आर है तो सिलेंडर का रेडियस भी आर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हाइट की, तो मुझे बताओ स्फीयर की हाइट तो होती नहीं है, हाइट किसकी होती है, तो सिलेंडर की हाइट इस सेंटर से इस सेंटर तक होती है, होती है नहीं होती है, और हमको ये गिवन है कि इसने एंक्लोज किया हुआ है, एंक्लोज किया हुआ है, तो यानी कि जो स्फीयर की हाइट होगी वही सिलेंडर की हाइट होगी, और इस स्फीयर की हाइट मैंने आपको फॉर्मूला में भी लिखवाया है, उसके डायमीटर के बराबर होती है, रेडियस का दुगना, तो यानी कि रेडियस का दुगना यानी 2r, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो गई, 2r, सिलेंडर की हाइट हो गई 2r, स्फीयर का रेडियस हो गया r, और सिलेंडर का रेडियस भी हो गया r, बस इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। स्फीयर के पास एक ही चीज होती है रेडियस, और सिलेंडर के पास दो चीजें होती है, रेडियस और हाइट, तो तीनों ही चीजें पता चल गई, अब जो पूछे वो निकलवा लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फिगर भी बनाना है, बनाऊं, बना सकते हो, ट्राई तो, नहीं, एक पॉइंट करवा दो, बनाओ बनाओ बनाओ, डोंट वेस्ट माय टाइम। ये है हमारा सिलेंडर, हाँ बना सकते हो, ये है हमारा सिलेंडर, बाद में बड़ा अच्छा बनाएगा तू, देखे मैंने तेरे फिगर, अभी बना ले, हाँ ठीक है। और इसके बीचों बीच कौन है बेटा, गोला डाल दिया, किया है कभी बचपन में ऐसा काम, सिलेंड्रिकल बोतल में हमने एक कंचा डाल दिया, फिट हो गया, उसके अंदर निकल ही नहीं रहा, फिट ऐसे हो सकता है कि
ढक्कन खोला डाला और फिर ढक्कन लगा दिया, ऐसे तो हो ही सकता है, मतलब वो ओपन और क्लोज करने वाला सिलेंडर है, ठीक है। परफेक्टली ना भी बने फिगर तो चलेगा, बस थोड़ा बहुत ऐसा इतना बना देना कि थोड़े लार्ज रह जाए हमारी फिगर की और हमारी भी, कोई ऐसे नहीं बोले कि क्या बनाया। ठीक है, अब रेडियस, तो रेडियस यहां से लेके यहां तक होती है, तो स्फीयर की रेडियस आर है, मतलब स्फीयर का सेंटर अगर मैं ये मान लूं तो ये रेडियस कितनी है आर, तो ये रेडियस भी कितनी होगी आर, और ये रेडियस भी कितनी होगी आर, तीनों आर होंगी क्योंकि स्फीयर की चारों तरफ से रेडियस बराबर होती है। अच्छा, इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी सिलेंडर की हाइट क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक ये हाइट कितनी हो जाएगी 2R, सिलेंडर की हाइट हो गई 2R, और सिलेंडर का जो रेडियस होगा वो यहां से लेकर यहां तक होगा वो कितना होगा, वही R, ठीक है। जो बाहर बनाया है वो तो सिलेंडर के डायमेंशन हैं, रेडियस और हाइट, जो अंदर बनाया है वो स्फीयर के डायमेंशन, ठीक है। हेयर इट इज गिवन दैट रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये गिवन है बस और कुछ गिवन नहीं, रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या गिवन है, आ ये गिवन है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द स्फीयर के बाद हमको ये भी गिवन है कि सिलेंडर ने स्फीयर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऑल्सो इट इज गिवन दैट द सिलेंडर encloses the sphere. The cylinder encloses the sphere. So, if the cylinder encloses the sphere, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो radius of the cylinder होगा वो radius of the sphere के बराबर होगा, दोनों का रेडियस बराबर होगा, और रेडियस ऑफ द स्फीयर पहले ही लिख दिया मैंने क्या था आर, तो दोनों का रेडियस हो गया आर। एंड सेकेंड चीज क्या होगी जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी लेट अस डिनोट इट बाय एच, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी एच होगी हमारी, वो हाइट ऑफ द स्फीयर के बराबर होगी, उसका रेडियस उसके रेडियस के बराबर और उसकी हाइट उसके हाइट के बराबर। और सब लोग जानते हैं कि जो स्फीयर की हाइट होती है वो 2R होती है, रेडियस की दुगनी होती है। फाइन, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्या चाहिए उसको, हो गया यहां तक नोट डाउन। हो गया ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। बोलो भाई स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है, 4πr², जहां पे रेडियस की वैल्यू डालनी होती है, आर की वैल्यू डालनी होती है, लेकिन आर की वैल्यू आ रही है, सो इट वुड बी द आंसर ओनली 4πr², सिंपल भाई, आर की वैल्यू दी नहीं ना उसने, आर की वैल्यू उसने आर ही दी है, तो हम भी आर की वैल्यू आर ही रखेंगे ना, हाँ ये आंसर है, ये आंसर है। चलो सेकंड भाई, आर अगर देता 10, अगर आर 10 देता तो मैं आर की जगह 10 का स्क्वायर करता, 5 देता तो 5 का स्क्वायर देता, उसने रेडियस क्या दी, देखो उसने खुद ने दी है ना, उसने क्या दी है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसने खुद ने क्या कहा है कि स्फीयर का रेडियस कितना है आर, तो इसीलिए आर की वैल्यू हम आर ही रखेंगे। हाँ गर्वित एंड क्या नाम है श्रेष्ठ, क्या बातचीत हो रही है, क्या 5, क्या कह रहे हैं, 5 बजे खा लेता हूं, 5 बजे खाना खा लेता हूं मैं, तो भूख लग रही है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया का? 2πRh, यही होता है। तो सुनो भाई, 2 की जगह 2 लगाओ, पाई की जगह पाई लगाओ, रेडियस दोनों का r है, सिलेंडर का रेडियस भी आ रही है, तो r की जगह r लगाओ, लेकिन h की वैल्यू क्या है चेक करो, 2r, तो h की जगह क्या लगा दूंगा मैं, इंटू 2r, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, पाई r इंटू r, ये भी आंसर हो जाएगा 4πr2। समझ आया कैसे? देखो 2 की जगह 2 ही रखा है, पाई की जगह पाई रखा है, रेडियस दोनों का r है, उसका भी r है, इसका भी r है, लेकिन इसकी हाइट क्या है, r का दुगना है ना, 2r, इनको मल्टीप्लाई कराया हमने, 2 2 जा 4, पाई और r इंटू r क्या हो गया, r2। दैट मींस अगर एक सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर बिल्कुल फंसा हुआ है, तो उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया सेम आएंगे, सेम आ रहे हैं ना, 4πr2 4π2। अब r की कुछ भी वैल्यू रख दो तो फिगर वाइज भी सेम आएगा, ठीक है। लास्ट, दोनों का रेशियो पूछा, वॉल्यूम सेम नहीं आएगा, वॉल्यूम तो अलग आएगा ना, सरफेस एरिया की बात है, सरफेस एरिया भी सिलेंडर का कर्व्ड वाला ओनली, सिलेंडर का कर्व्ड वाला, टोटल नहीं, सिलेंडर का तो कर्व्ड है और स्फीयर का टोटल, स्फीयर में तो वैसे भी एक ही सरफेस एरिया होता है, वो दोनों सेम आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, दोनों का रेशियो पूछा होगा, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेंड इन 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में जो एरिया निकाले उन दोनों का रेशियो, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बेसिकली निकालना है रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाला था हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या निकाला था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या निकाला था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो जो भी चीज निकाली उसका रेशियो चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, ये चीज निकाली हमने क्वेश्चन नंबर 1 में और ये चीज निकाली हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, इन दोनों का क्या चाहिए हमको, रेशियो चाहिए। दोनों ही क्या निकली, दोनों ही 4πr2 निकली, बोलो, तो 4πr2 से 4πr2 कट के क्या हो जाएगा, 1/1, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1 आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज ओवर, सरफेस एरिया ओवर, सबका सरफेस एरिया खत्म हो गया, कल से क्या स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है ना, कल से वॉल्यूम वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, वही क्यूब क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर कौन, फिर स्फीयर हम इसके। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। कल होमवर्क चेक करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा आप करके आओगे नहीं करके आओगे।